जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। देश के लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ और उसका परिणाम भी आज आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रही, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया है। 295 से 298 सीट अभी मिलता हुआ दिख रहा है। या तो पार्टी जीती है कुछ सीटों पर और बाकी सीटों पर लीड कर रही है, तो ट्रेंड अब कमोबेश यही रहेगा। इसमें 2-4-5 सीट का अंतर हो सकता है, कम हो सकता है, बेसी हो सकता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि अब आगे की जो स्थिति है, कि एक दशक से देश में जो स्थिर सरकार थी और एक पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी एक तरह से, वो सरकार एक बार फिर हम लोग कोअलिशन के दौर में भारत आ गया है। तो अब वैसे समय में देश को किस तरह से आगे बढ़ेगा और देश में कोअलिशन का जो वो पुराना दौर था, क्या हम वो देखेंगे या फिर उससे कुछ बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी? तो इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी हैं अरविंद मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक वर्मा जी, और समाजशास्त्री हैं गोविंद शर्मा जी, और हम सबके बड़े झारखंड के जाने माने पत्रकार हैं श्री अनुज कुमार सिन्हा जी, प्रभात खबर के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। तो हम लोग इस पे पहले देश की चर्चा करते हैं, अशोक वर्मा जी के साथ शुरू करते हैं कि आप बताएं कि अब किस तरह से देश की राजनीति आगे बढ़ेगी। जो एक दशक हमने देखा कि एक पार्टी एक मुखिया पार्टी का होता था और वो अपने हिसाब से देश को चला रहा था, चीज़ें उस तरह से चल रही थी, अब क्या होगा? अब ये होगा कि फिर से संविध सरकारों का दौर वापस आया है, और एक आलोचना होती है कि संविध सरकारें चलती हैं तो ठीक से नहीं चलती हैं, तो आपस में खींचतान चलती है, झगड़ा चलता है। तो इन सारी कमियों को मैं स्वीकार करते हुए जो एक बड़ी बात है वो ये है कि संविध सरकारों के दौर में एक खुला लोकतंत्र होता है, लोकतांत्रिक माहौल होता है। तो मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती है संविध सरकार में, बल्कि जो विभिन्न पार्टियों के एजेंडे होते हैं उन एजेंडों को पर प्रेशर बनता है सरकार के मुखिया पर भी और सरकार के कामकाज पर भी, और वो एजेंडे लागू होते हैं। अब UPA 1 में देखिए कई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून बने, राइट टू इन्फॉर्मेशन बना, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट ही थी, फिर राइट टू मनरेगा बना, तो ये सब अच्छी योजनाएं आई। तो कोलिशन गवर्नमेंट रहने से कहाँ कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि अच्छी योजनाएं आई। और मुझे लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट का जो एक प्रयोग शुरू हुआ तो धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी भी आती चली गई, लोग समझ गए कि भाई सरकार को इस ढंग से चलाना है, और नहीं तो इस बार का भी जो मैंडेट आया है तो ये जो है सो जनता ने डंडा चलाया है, धीरे से ही चलाया है, लेकिन चोट जोर की मारी है। तो जो भी कोलिशन गवर्नमेंट चलेगी वो संभल के चलेगी और बेहतर ढंग से चलेगी, ये मेरी आशा है। गोविंद शर्मा जी से जानते हैं कि आपको क्या लगता है, बीजेपी को जो इतना बड़ा नुकसान इस बार हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि ये जो धर्म हावी हो रहा था वो नहीं हुआ। सब जगह लग रहा था कि ये जो है अयोध्या जाएगा, उधर बनारस आ गया, उधर बिंदा क्या है मथुरा आ गया। तो धर्म, मैं हमेशा ही कहता हूँ इस बात का को, बहुत लोग उसको रेडिकल मानते हैं, लेकिन इस पे विचार होना चाहिए कि रिलीजियस फेथ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये दोनों सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में पर्सनल बातें होनी चाहिए। इट शुड बी रैदर एज पर्सनल एज हमारे रुमाल की तरह होना चाहिए, हमारे कंघी की तरह होना चाहिए। हमारा कंघी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका टूथब्रश हम इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर द हाइजीनिक रीजन हैं। तो उसी ढंग से रिलीजियस फेथ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर्सनल बातें होनी चाहिए, और तभी कोई भी समाज चल पाएगा, स्मूथली चल पाएगा। तो अभी की बात में जोड़ता हूँ कि हिंदुत्व का कल्चर यही रहा है, सर्वसमावेशी। सही, कभी भी हिंदुत्व जो है वो ये नहीं बना, कट्टर नहीं बना। हाँ,
तो उसका यदि स्वरूप बदला जाएगा उसकी, हाँ यदि देश जो इतने दिनों से चल रहा है और बचा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है हिंदुत्व कल्चर का। अब ये फैजाबाद का क्या है रिजल्ट? हार गए फैजाबाद में, बीजेपी हार रही है। हाँ, तो ये दिस इटसेल्फ इज ए बिग आई मीन। और दूसरा है कि कॉमनर्स के जो इश्यूज होते हैं, ये हमेशा मैं कहता हूँ कि जमीनी हकीकत और आसमानी सच्चाई, हाँ आसमानी सच्चाई से बहुत कुछ नहीं चलता, जमीनी हकीकत देखना ही होता, आई मीन उसको तवज्जो देना ही पड़ता है। अब अनुज सिन्हा जी से जानते हैं, सर भैया ये बताइए जरा कि ये जो सरकार अब बनेगी, तो सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो होती है सरकार की, वो मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो एक पार्टी की जब सरकार होती है तो उसका मुखिया चाहे जैसे चाहे वैसे मंत्रिमंडल बना सकता है, लेकिन जब कोलिशन की आप सरकार बनाते हैं तो सारे पार्टियों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके हितों का ध्यान रखना पड़ता है और उनकी बात सुननी पड़ती है आपको। तो अभी जो स्थिति बनी है, पार्टी के पास 272 सीट नहीं है, बीजेपी के पास 240-241 सीट के करीब है, वैसे में बहुत सारी पार्टियां को जोड़ के ही सरकार चलेगी, तो अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कतें क्या क्या होंगी और उसको पार्टी कैसे टैकल करेगी, क्या लगता है आपको? इसमें सबसे पहले कि अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि जो रुझान है उतनी सीटें आई हैं, एक नंबर। दूसरा, अभी सरकार बनना बाकी है, अभी बहुत सारा दाव पेच होगा। जब आपके पास 272 का आंकड़ा नहीं है तो 272 का आंकड़ा तब पहुंचेगा जब जो इसके साथ में टीडीपी और जदयू है, तो अब जदयू और टीडीपी के को अपने साथ लाने के लिए इंडिया गठबंधन भी हर प्रयास करेगा। तो पहला यहां पर हो गया। अब क्या हुआ, यही वो दौर है जहां पे बीजेपी को लिबरल होना पड़ेगा, मतलब आपके छोटे छोटे दल भी, बाकी दल जो हैं उनसे आपके संपर्क और जो कम्युनिकेशन होगा उसको बहुत तेज करना पड़ेगा, और वो दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि काम करने का तरीका, सरकार जब बन जाएगी अगर बनती है तो उसको चलाने का तरीका अलग होता है। अब क्या होगा, सरकार जब बनेगी और मंत्रिमंडल की बात होगी तो उसमें दो बड़े फर्क पड़ते हैं। पहला ये कि आप कोई बड़े फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा, बाकी दल जिनके बल पर आपकी सरकार टिकी हुई है उनकी शर्तों को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। वो शर्त आपको अलग अलग होगा, वो डिपेंड करता है कि उनकी महत्वाकांक्षा कितनी है, ये डिपेंड करता है। तो सरकार, ये गवर्नमेंट अभी तक दो बार जो 10 साल जो चला है उसमें इस तरह का माहौल नहीं था, नहीं था। अब वाजपेयी जी इस तरह की सरकार चला चुके थे तो उनके पास एक अलग तरह का माहौल था। तो सबको साथ लेकर चलना हर इश्यूज पर, यह बहुत कठिन दौर होता है। कैबिनेट का जब एक्सपेंशन होगा, जब गठन होगा, उस समय हमको ये पोर्टफोलियो चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको नहीं देंगे, हम उधर भाग रहे हैं, तो ये बहुत अजीब दौर होगा। और ये देखते हुए कि अतीत में भी जो दो बड़े अभी मामले हैं, जदयू का है और फिर चंद्रबाबू नायडू जी का है, तो जब उस समय का भी दौर देखा था कि वो बहुत हार्ड बार्गेन, तो कहने का मतलब कि बार्गेनिंग कैपेसिटी अब बहुत बढ़ जाएगी दलों की। ये तो बड़े दल हैं, ये तो बड़ी मांग रखेंगे, और क्या मांगोगे आप सब लोग जानते हैं धीरे धीरे। लेकिन ये छोटे छोटे दल हैं जिनके पास 3-4-5 है, वो पीछे नहीं रहेंगे। तो ये आपको पोर्टफोलियो बंटवारे में, कोई मेजर डिसीजन में दिखेगा। तो इसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ही होता है कि वो एजेंडे जिसको देश का एक बड़ा वर्ग स्वीकार नहीं करता था, उसको अब आप लागू नहीं करेंगे। और ऐसे केसेज में हम लोगों ने इतिहास में देखा है कि एक बनता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, जिसमें ऐसे मामले जिसपे आपके जो सहयोगी दल है वो सहमत नहीं है, उसको डंप कर दिया था कि इसको हम लोग ठंडे बस्ते में रखेंगे। उसी में अगर काशी का होगा, मथुरा का इशू होगा, वो सब डंप होता जाएगा। तो ये फर्क पड़ेगा, छोटे दलों की पूछ बहुत बढ़ेगी, बार्गेनिंग कैपेसिटी और बढ़ेगी, हमें तो ये दिखता है। एक छेपक में कह दूं, इस मोदी जी बहुत ज्यादा असहज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो आदत है अभी तक फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट लीड करने की, गुजरात में भी लीड किया, यहाँ भी लीड किया 10 साल, तो सबसे ज्यादा अगर कोई असहज आदमी नजर आएगा तो वो नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे। तो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि नीतीश कुमार को लेके आपको क्या लगता है, कि क्या नीतीश कुमार फिर बाजी पलटेंगे, कुछ ऐसा कुछ संकेत दिख रहा है आपको? नीतीश कुमार तो बाजी पलटने में माहिर हैं, उन्होंने साबित भी किया है इस बात को। लेकिन सबसे एक चौंकाने वाली बात यह हो गई है कि नीतीश कुमार इस चुनाव में फिनिक्स की तरह फिर से जीवित हो गए हैं।
मैंने अभी तक तमाम राजनीतिक पंडितों की यह भविष्यवाणी थी कि नीतीश कुमार फिनिश होने वाले हैं, बीजेपी सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी गेनर रहेगी। उल्टा हो गया, बीजेपी लूज कर रही है, नीतीश कुमार बीजेपी से ज़्यादा सीट ला रहे हैं, तो नेचुरली इनका बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये दोनों घड़ों में से जो भी इनको अप्रोच करेगा बहुत हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। जो खबर मिल रही है कि इंडिया कोलिशन ने तो इनको ऑफर दे दिया डिप्टी पीएम का विशेष राज्य का दर्जा का, उधर आंध्रा चंद्रबाबू नायडू को दे दिया कि भाई आंध्रा को दे देंगे, वैसे बहुत पुरानी मांग है उनकी। नीतीश कुमार हो सकता है कहें कि भाई डिप्टी पीएम तो बनेंगे ही, बिहार को भी दो विशेष राज्य का दर्जा, यहाँ भी बात उठती रहती है। और उसके बाद फिर बिहार की राजनीति में भी बड़ा दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, अभी अगले दो चार सप्ताह दिन के अंदर बहुत दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर, अभी इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि अभी तुरंत का एक बयान आया था जदयू के जो पार्षद हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार होंगे। तो इसमें क्या आशय लगता है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से, नीतीश कुमार की पुरानी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनना, बल्कि इंडिया ब्लॉक को गठन का इनिशिएटिव भी उन्होंने ही लिया, तो इनिशिएटिव लेने का के पीछे उनकी जो यही जो दबी हुई महत्वाकांक्षा है यही काम कर रही थी, यही प्रेरित कर रही थी उनको। अब ये बात अलग है कि फिर वो राजनीति के शिकार हो गए, एक समय में तो वो प्रोजेक्ट हो ही रहे थे प्राइम मिनिस्टर। अभी भी वो चैप्टर क्लोज कहाँ हुआ है? अभी तो अभी जब पूरा वो फिर से नए तरीके से देखिए जो हम लोग देख रहे हैं, ये अभी आपने कहा कि डिप्टी पीएम का ऑफर मिला, ये तो ऑफर मिला है। सवाल, बीजेपी ने प्रयास शुरू कर दिया, खुद प्रधानमंत्री ने बातचीत की है नायडू जी से, बात की है, उनको कन्वेनर होने का एनडीए का ऑफर दिया है, ये तो चल रहा है। लेकिन सबसे पहला प्रयास होगा अभी तक के अनुसार, अगर ये दोनों साथ में हैं, जदयू और टीडीपी साथ में है, तो एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, ये चल रहा है। लेकिन आप क्या समझेंगे, जब ये सरकार बन रही है तो इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स होते हैं वो चुप बैठेंगे? उनका पहला प्रयास होगा कि वो सरकार खुद बनाए, अपने है इनको अपने खेमे में लाने का प्रयास करेंगे, जो आपने कहा ऑफर देंगे। लेकिन जब ये लोग नहीं जाएंगे, नहीं हिलेंगे, तो वो मैक्सिमम कौन सा पासा हो सकता फेंक सकते हैं? उसमें जो आपकी बात है वो है कि इससे आगे जाकर जब ये तय हो जाएगा कि हर हाल में प्रधानमंत्री ये मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एनडीए बना रही है, और हमको फिर वेट करना पड़ेगा 5 साल, तो अब मोदी को रोकने के लिए और क्या किया सकता है? अंतिम दांव, तो क्या अंतिम दाम ये हो सकता है कि आप ऐसा करिए, आप पीएम ही बन जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, भले सरकार ना चले, तो ये भी लास्ट मौका में, अब उसके बाद तय करना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को कि ये जो हमको बुला रहे हैं, हम उनके पास जाके 6 महीना 1 साल तक कर रहे हैं कि हम अपने अपना काम करें, कुछ और करें, जहां रहे, ये फिर गेंद आ जाएगी इनके पाले में, इनकी महत्वाकांक्षा क्या है, ये क्या सोचते हैं। लेकिन ऑफर देने में मोदी को रोकने के लिए है, इनको एनडीए को सरकार बनाने के लिए चुपचाप बैठने वाला नहीं है गठबंधन, तो ये भी आगे प्रयास हो सकता है, ऐसी संभावना जो हमें हम लोगों को जो लगता है। गठबंधन तो बना ही इसी के लिए था कि किस तरह से मोदी को रोका जाए। ऐसा कोई नहीं करे कि आप बनाइए, हमारी संख्या नहीं है, अब ये दौर नहीं रहा। इस चर्चा को समझने के लिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को थोड़ा और डिकोड करना होगा। बिल्कुल, पहला तो ये है कि नीतीश कुमार क्या बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ के केंद्र में जाना पसंद करेंगे, जब तक कि उनको जो आपने कहा कि पीएम का ऑफर मिल नहीं मिला। दूसरी बात है कि अगर वो चले जाते हैं, मान लीजिए डिप्टी पीएम का ही ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर बिहार में वो क्या करेंगे? बिहार की कमान अपने हाथ से तो हरगिज़ नहीं निकालने देना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब इंडिया कोलिशन में आ जाएंगे तो नेचुरली आरजेडी पार्टनर हो जाएगी, तो आरजेडी में लालू यादव की महत्वाकांक्षा है कि भाई तेजस्वी बन जाए सीएम जल्दी से जल्दी। तो ये सारी चीज़ें, वही मैं कह रहा हूँ कि अगला जो एक सप्ताह होगा ना, वो नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि वो क्या करने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी एक चीज़ और है जिसकी ओर ध्यान हम लोगों को देना चाहिए कि मोदी जी की जो लगातार जो वर्किंग स्टाइल रही है 10 साल में, तो उसमें उन्होंने जो उनका सहयोगी दल भी है तो उसको भी मैंने बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। अब शिवसेना का देख लीजिए, हाँ सर,
फिर उधर का देख लीजिए, जदयू में पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने तो साफ साफ आरोप लगाया था कि बीजेपी ने चिराग पासवान की पीठ ठोक कर और उनका कद छोटा कर दिया, सिर्फ 43 सीटें आई जबकि वो 80-90 ने की नेचुरल दावेदार थी वो पार्टी। तो ऐसी स्थिति में जो अभी एनडीए की पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ही अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे तो एनडीए के पार्टनर दल इस पर भी गौर करेंगे कि किसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा हमारा, किसके साथ ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, इन सारी चीज़ों पर भी गौर करेंगे जो एनडीए के अभी जो पार्टनर दल है। तो ये अभी सब कुछ खत्म हो गया है, अभी तो फाइनल नहीं, अभी तो चालू शुरू हुआ अभी तो पार्टी शुरू हुई है अरे एक सवाल आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार ये भी हो सकता है, ये भी प्रयास हो सकता है जब लगे दिक्कत होगी है, लगता है कि नहीं साहब, क्या क्या आप एनडीए में ही लीडरशिप चेंज करने की बात सोच सकते हैं, ये सब भी हो सकता है, अभी बहुत कुछ होगा, अभी तो ये भी हो सकता है खुद बीजेपी के अंदर से आवाज हो। हाँ, हम मतलब हमने उसी की चर्चा की ना करके है, लेकिन जब जो बात हो रही है ये देखने का है, तो इन दोनों में जो आपने कहा वो दौर थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, है अब उसमें है कि दो जो प्रमुख लोग हैं जिसमें कि नायडू जी हैं, तो जो पहले का जो इतिहास रहा है, पॉलिटिकल इतिहास रहा है, वो ये रहा है कि नायडू बार्गेन करेंगे अपने स्टेट के लिए, उनका इतिहास रहा है कि वो अपने स्टेट के लिए पैकेज की मांग करेंगे, आपको याद होगा बाढ़ के लिए हमको 200 करोड़ 400 करोड़ रुपया दीजिए, अपने स्टेट में ही वो एरिया बनाते हैं, एंड ही हैज बीन वेरी इफेक्टिव बार्गेनर, ये भी बात है। और इनका इनका ये है कि नहीं हमको पावर चाहिए हम वहां आने के लिए, तो दोनों में ये फर्क है। अब डिपेंड करता है बीजेपी को कि कितना किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, आपने कहा मोदी जी को काम करने का तरीका, लेकिन क्या है कि जब तक आपके पास मेजोरिटी है तो आपके काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है उस समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, फ्लेक्सिबिलिटी कितना होंगे वो दिखना चाहिए, वो दिखेगा। सर एक सवाल आप लोग से है कि जिस तरह से यूपी में खास करके बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, उसी तरह राजस्थान की बात करें, उसी तरह महाराष्ट्र की बात करें, तो इन तीनों बड़े स्टेट जो हैं उसमें बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसकी कर्नाटक भी है, हरियाणा भी जो हाँ, तो इन सारे स्टेट में बीजेपी को इतनी कम सीटें क्यों आई, इसके पीछे रीजन क्या है, जबकि कई बड़े काम हुए अयोध्या, चूंकि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसका काफ़ी बीजेपी ने हर जगह हर चुनावी सभा में पीएम मोदी भी लगातार बोलते रहे कि प्रभु श्री राम को लेके आए, और अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बन जाती है तो वापस फिर वो टेंट में चले जाएंगे, इस तरह के भी प्रधानमंत्री का बयान सामने आए थे, तो इन सारे काम के बावजूद इन सारे स्टेट में बड़े स्टेट में बीजेपी को कम सीटें आना क्या लगता है, कारण क्या हो सकता है? देखिए चारों ये हर स्टेट में अपने अपने कारण हैं इसके। अब यूपी में रामलला का मंदिर बना तो लोगों को लगा कि एक लहर आएगी, बीजेपी को ये आशा थी कि एक लहर आएगी, शायद इसी लहर पर हम पूरा चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन वो जनवरी में 22 जनवरी को शायद उद्घाटन हुआ, 21 जनवरी और वो एक महीने के बाद वो लहर जो है समाप्त हो गई। खुद बीजेपी के ही लोगों को भी समझ में आ गई बात कि ये नहीं चलेगा। दूसरा कारण यूपी में ये हुआ बीजेपी के डिबैकल का कि मायावती का जो वोट बैंक है वो पूरा शिफ्ट कर गया इंडिया की तरफ, और वो इसलिए शिफ्ट कर गया कि बीजेपी का जो 400 का नारा है ना उसके लिए घातक साबित हुआ। क्यों घातक साबित हुआ? बीजेपी के कुछ बड़बोले नेताओं ने बयान दे दिया कि 400 इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, तो इसको लपक लिया कांग्रेस ने और सपा ने कि भाई ये संविधान इसलिए बदलेंगे और आरक्षण खत्म करेंगे आपका। इसका जो है दलित यूपी के दलितों पर इम्पैक्ट और ओबीसी पर बड़ा गहरा असर पड़ा, और जो 19 में जो ये दलित और ओबीसी बड़ा वर्ग जो है वो हिंदुत्व के नाम पर धर्म के नाम पर बीजेपी की ओर जो शिफ्ट कर गया था वो वापस आ गया, तो इसलिए यूपी पर असर पड़ा इसका। हमें लगता है एक फैक्टर और भी है कि इन लोगों ने सिलेक्शन ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं यही वो सेंट्रलाइज कर दिया,
जी, नहीं, और वहाँ पर जो है ना एक काम जो कांग्रेस और सपा ने किया, खास करके सपा, अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी दिखाई टिकट बांटने में, टिकट बांटने में, और बिल्कुल इंद्रधनुषी कैंडिडेट, उनका जो लिस्ट देखिएगा तो वो इंद्रधनुषी है। 5 यादवों को दिया है जो कि सिर्फ इनके परिवार के ही लोग हैं, बाकी बाहर के लोगों को दिया, मुसलमान को बहुत कम दिया कि उसके नाम पर ध्रुवीकरण करती है भाजपा, तो उसको नहीं दिया। और अदर ओबीसी और फॉरवर्ड कास्ट को भी टिकट, इनको जम के टिकट दिया, तो उसका भी एक फायदा मिला। ये तो यूपी का है, हरियाणा में आपको सीधे सीधे किसान आंदोलन का असर है जी, जी वो दिख रहा है। कर्नाटका में जो स्टेट कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं चालू की हैं उसका असर दिख रहा है कर्नाटका में, और प्लस चूंकि सरकार में है और वहाँ उनके बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं डी के शिव कुमार, तो उनकी रणनीति भी चली। महाराष्ट्र में जिस ढंग से बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, तो जो जनता की सहानुभूति उद्धव ठाकरे और नहीं शरद पवार इनके साथ चली गई जनता की सहानुभूति। और देखिए उद्धव ठाकरे बहुत अच्छी सीटें ला रहे हैं, 17-18 सीट वो ला रहे हैं, तो ये चला तो जनता ने नकार दिया और बीजेपी की इस राजनीति को पसंद नहीं किया। बीजेपी भी वहाँ पहले ये उम्मीद थी कि बीजेपी अपनी सीटें निकाल लेगी, 28 पर लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी को भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो हर स्टेट में अलग अलग कारण है और ये कारण मिलजुल कर, एक फैक्टर और जोड़ना चाहिए यूपी में, इधर जितने भी एग्जामिनेशन वहाँ हुए हैं, खास करके वो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन से कंडक्ट किए हुए, सबका क्वेश्चन आउट हो गया और वो बहुत ही मतलब अराजकता की स्थिति बन गई और यूथ उससे बहुत नाराज अफेक्टेड है, बहुत ही बहुत अफेक्टेड है। अग्निवीर का भी असर बहुत बड़ा असर है, अग्निवीर का चारों ओर अग्निवीर का बेरोजगारी, हाँ हाँ अग्निवीर पे इतनी ज्यादती हुई है कि एक एक जनरल जो एक आर्मी चीफ रहे हैं वो एमके नारवाने, उनकी एक किताब आई है, वो किताब का नाम है स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी है। वो जनवरी फरवरी में वो किताब अवेलेबल हो गई थी, ये जो अमेजन वगैरह का साइट है उसको बुकिंग शुरू कर दिया था, उसको रोक दिया गया। अब अभी आप देखेंगे वो कहेगा नॉट अवेलेबल, हाँ एक बार वो बुकिंग करता है उसके बाद नॉट अवेलेबल बताता है। तो ये सब जो आई मीन क्यूमुलेटिव फैक्टर है। देखिए अग्निवीर का मामला इसलिए बता रहे हैं और भी असरदार होगा क्योंकि कई स्टेट से जहां से भारी संख्या में सेना के लोग जाते हैं, जिसमें से एक झारखंड भी है, तो झारखंड का वो इलाका जहां से खासतौर पर खूंटी और आपका लोहरदगा दो हाँ, हाँ, आते हाँ, हैं हाँ, है, तो वहां का आप देख लीजिए रिजल्ट है। उसके अलावे राजस्थान में जाते हैं, है पंजाब हरियाणा से लोग जाते हैं, तो ये वो इलाके यूपी से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो ये असर दिखा है। तो दो चीज और उसमें ऐड कर सकते हैं, एक है कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है जहां पे किसान आंदोलन का था, तो किसान आंदोलन को बाद में भले पता नहीं चले, वो मामला दबा नहीं था, वो अंदर छिपा हुआ था, वो बाहर जब अवसर मिला तो बाहर निकला। तो अग्निवीर का और किसान मूवमेंट का दोनों का भी असर नारवाने ने बहुत खुल करके उस बुक में लिखा है कि ये जो स्कीम हुआ उसमें उन लोगों की सहमति नहीं थी जो टेक्निकल हेड थे तीनों विंग ऑफ डिफेंस के, ना ही इंडियन एयरफोर्स के, ना ही इंडियन नेवी के, ना ही ये आर्मी के, मतलब पीएमओ प्रिवेल किया, और पीएमओ का प्रिवेल होना तो कई एक डिसीजंस में है, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस में रैदर है, यही बल्कि आई मीन ये रहा है, यही दैट हार्ड हेडेडनेस रहा है जिसका नतीजा। लेकिन चर्चा तो ये थी कि कहा यह जा रहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जो उस समय थे उन्होंने ये प्लान किया था पूरी तरह से
अग्निवीर वाला जो नहीं, लेकिन जब ये हुआ तो उसके पहले जो एक डिस्कशन होना चाहिए था, एक कंसेंसस क्रिएट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। कुल मिलाकर मैसेज चला गया नीचे तक है, हाँ, है कि ये हम लोग को दिक्कत हो और प्रैक्टिकल टर्म में भी 4 साल की नौकरी कर दे रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट पे, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, लेकिन ये जो हाईली टेक्निकल जॉब है, जो प्रोफेशनल जॉब है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत उचित, आई मीन लॉजिकल टर्म में नहीं लगता। खाली प्रोफेशनल जज्बे का जो हाँ, जज्बे का एक अलग अंदाज है उसका। बात है जरा झारखंड की चर्चा कर लें, झारखंड में भी बीजेपी नुकसान में है, और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन 2-3 सीट का नुकसान होना कम नुकसान नहीं है, 14 में नुकसान हो गया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या, आप हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को मानते हैं क्या, चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी और फिर असर तो है? देखिए झारखंड एक अलग तरह का है, जो देश के जो ट्राइबल्स बिहेव करते हैं उनका अलग है, झारखंड का इशू अलग होता है, कभी जमीन का कभी इसी का है। तो आप देखेंगे कि इस गवर्नमेंट के हेमंत के गिरफ्तारी के पहले 1-2 साल में उन्होंने जो निर्णय किया वो बिल्कुल प्रो ट्राइबल किया। तो ये स्टेट में ट्राइबल्स के बीच में जो रिजर्व सीट जहां जहां सब सीटें जो बीजेपी लूज करने जा रही है वहां ये मैसेज बहुत क्लियर था। तो ट्राइबल्स भाजपा के साथ नहीं के बराबर है, वो क्लियर रहे तीर धनुष के साथ, इसको इस रूप में लेना चाहिए। और है शिबू सोरेन जब तक खुद प्रचार करते थे तो उनके साथ लोग सीधे रहे, हाँ, अब वो चुपचाप है, खाली खड़ा भी होते हैं तो अभी भी लोग मानते हैं, वो एक सिंबॉलिक है। तो ये बहुत क्लियर है कि झारखंड में गवर्नमेंट ने भी, हेमंत सरकार ने भी जो काम किया वो ट्रेवल्स के लिए किया, और ट्रेवल्स के अंदर में ये मैसेज दे दिया कि हम आपके आदमी हैं और हमारे रहते आपका हित नहीं होगा। जमीन को लेकर जो सेंसिटिव इशू होता है उसमें हम खड़े हैं। दूसरा, उनकी गिरफ्तारी के बाद बार एक सेंटिमेंट उभरा, और वो ये उभरा कि हमारे ये ट्राइबल्स है इसलिए इनको तंग किया जा रहा है, और ये ऐसी सी घटनाएं घटी। अब जैसे दूसरे जगह सेंटिमेंट का इशू नहीं है, हाँ, यहाँ सेंटिमेंट का इशू आ गया, यहाँ दिख गया। अच्छा, वहां देखिए आप, इसमें दिल्ली में जब सीएम, दिल्ली के सीएम को जब बिल मिल जाता है तो यहाँ के ट्राइबल्स को लगता है कि इसको इसलिए नहीं मिल रहा है, हेमंत को है, वो दिल्ली है और ये झारखंड और ये ट्राइबल्स है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे बन गई है, हमारा आदमी को तंग किया गया। अब अगला जो इशू बनता है कि जो बाकी सीटें, तो ये बहुत क्लियर है, जो यहाँ पर देखा जाए एक आध जगह पे सारे एरियाज में, ये देश के बड़े हिस्सों में है, सब लोगों ने ये मान लिया था बीजेपी में कि मोदी जी हैं तो जीता दे रहे हैं, एक आदमी लगे हुए हैं अपना है, तो आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई मोदी जी पर, अमित शाह पर, यही दो तीन लोग उन पर डिपेंडेंसी। आपकी बाकी टीम जो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले जो टीम काम करती थी बीजेपी की ग्राउंड ग्रासरूट पर है, वो सब निश्चिंत हो गए। प्लस परफॉर्मेंस में देखेंगे, ये भी एक बड़ा फैक्टर, एक आप बिल्कुल, हाँ, तो उसने काम नहीं किया, अच्छा लोग अलग मूड में चल गए हैं। दूसरा आप देखिए कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, तो उसका जो आपको आपको नहीं चाहते देखने के लिए वो एक रहे, वो हर हाल में हम वोट देने जाएंगे, और आप निश्चिंत है कि वो तो जीत ही रहे हैं। तो आप जो वोट पड़ा है वो हुआ है शनिवार को, तो आपके जो लोग मिडिल क्लास के वोटर लोग थे वो लोग सब निकल के घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो नुकसान हुआ। ये तो इतना भी जो आ रहा है वो महिलाएं वोट करने निकली है उसमें है, उसके कारण हो रहा है। हमें लगता है कि इस बार 50% मैंने कहीं देखा था इनका, 51.4% मेल हैं और फीमेल हैं 49.60%, मतलब मोटे तौर पे आधे आधे। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन आपको बता दें 12 सीट पे महिलाओं ने ज्यादा वोट किया पुरुषों की तुलना, ये भी नंबर ये भी होगा, ये भी होगा, झारखंड में झारखंड की बात बता रहे हैं। और क्या है ना कि ये जो वोट है ना, वो जो स्कीम्स मिले ना, फिर बता रहे हैं इसको ऐसा नहीं मानना कि गवर्नमेंट का है, मोदी के का जो काम हुआ है, जो भी काम दिखा, जो लोगों तक पहुंचा है, डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है, घर उनके नाम से हो रहा है, ये सबका असर है, उसके बाद ये हालत है। तब देखेंगे आप है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी के चयन में या जो एग्जिस्टिंग जो आपके थे एमपी थे उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, ये सब असर दिया है, उसके बाद भी आप इतना इस जगह पर पहुंचे। मैंने मिला जुला करके एरोगेंस तो यही है ना, एरोगेंस तो मिला जुला के सम यही है, सम टोटल इज एरोगेंस। इस चुनाव में एक बात और, जो हेमंत फैक्टर का जो असर है वो मैंने जो महसूस किया, कुछ ट्राइबल इलाकों में गया था तो 19 में मैं देख रहा था कि सरना और क्रिसेंट ट्राइबल का अलग-अलग। इस बार मैंने देखा कि सरना भी जो है, वो आगे आया था,
वो इसी इशू पर दोनों जुड़ गए, वो भी है एक बड़ा इशू जो है जो आप बता रहे थे हैं। तो मैंने मैंने एक से पूछा, एक सरना जो मेरा परिचित है भाजपा समर्थक था वो, तो मैंने तो कहा कि हेमंत सोरेन तो सरना है, ये कहा। अब देखिए ये पहले क्या था कि मुंडाओं के लीडर अर्जुन मुंडा, होक के लीडर मधु कोड़ा, संथालों के लीडर शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन, इस बार क्या दिखा है कि कुछ नहीं है, ट्राइबल्स लीडर है। तो ये एक बड़ा पॉइंट अभी और है जो उस पर गौर आपने कर रहे हैं, वो रहा है महतो वोट, कंसोलिडेट कर गया महतो वोट जो है, जो कई कारणों से बीच के पिछले 10 सालों में वो डिवाइड हो गया था, मतलब ट्राइबल्स वो भी कंसोलिडेट हो गया, ट्राइबल्स और महतो दोनों एक म्यान में नहीं रह सकते थे, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो डिसीजन हुआ उसको लेकर है। इस बार क्या हुआ हाल के दिनों में कि इस गवर्नमेंट ने, मतलब हेमंत सोरेन की सरकार ने ये तय किया, रिकमेंड कर दिया ये असेंबली से कि हम कुड़मी को को आदिवासियों के सूची में शामिल होने की मांग, जबकि मैं वो करते हैं सपोर्ट करते हैं। अब आप देखिए, एक तो जोखिम था कि जैसे ही आप कुड़मी को आदिवासियों के सूची में शामिल करने के लिए मांग करेंगे तो ट्रेवल्स नाराज होंगे, उन्होंने उसकी चिंता नहीं की जो ट्रेवल्स न रहे। ये जो भाजपा पर ये चीज बम फूटा कि आप रोक रहे हैं, तो कुड़मी वोट जो है ये भाजपा से इसका एक खाल यूथ वाला है, वो यूथ वोट एक अलग है, तो उसका एक असर दिखा, ये सब चीज खिलाफ गया तब। और इसी कारण से आप देखेंगे कि जहां 4-4 लाख सब जीते थे, 5 लाख 5.5 लाख के आसपास, वो मार्जिन बहुत कम हो गया, आधा हो गया, बहुत कम। इसमें अभी ये झारखंड में ही रहते हैं अभी, अब बीजेपी का जब इतना बुरा परफॉर्मेंस हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद, बाबूलाल मरांडी को पार्टी में वापस शामिल किया गया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव लड़ा गया है और बीजेपी को इतना नुकसान हुआ, तो ये उम्मीद थी पार्टी को कि एक आदिवासी चेहरा जब होगा तो आदिवासी मुख्यमंत्री उधर इधर हमारा आदिवासी चेहरा उसको टक्कर देगा, तो उसमें बाबूलाल मरांडी इस बार पिछड़ते दिख रहे हैं, तो क्या लगता उनके भविष्य को किस तरह से देखा जाएगा? ये तो पार्टी तय करेगी, उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन जो आप डाटा देखेंगे हैं कि जिस लिए इनको सामने पेश किया गया कि जो ट्रेवल्स वोट है अपने आ जाएंगे आप। देखिए क्या होता है ना कि आप तो आ गए, लेकिन साथ में ऐसा नहीं होता है कि अनु सिन्हा कहीं जा रहे हैं तो हमारे साथ सारी टीम चली जा रही है, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल देंगे गीता कोड़ा का, गीता कोड़ा वहां से एमपी थी कांग्रेस के बल पे, उनको भाजपा ने ले लिया, तो क्या गीता कोड़ा अपने साथ सारे वो वोट को लेकर आ गई, अपने आ गई, उनके वोटर्स अलग रहे हैं। वही हाल रहा बाबूलाल जी का, बाबूलाल जी के आने के बाद भी संथाल वोटर्स जो होंगे वो इधर नहीं आए, क्योंकि वहां पर एक संथालों का एक अलग बना हुआ है, वो जो वोटर हैं वो जेएम के साथ हैं, तो ये फर्क पड़ा इनके आने पर भी, बाकी चीजों में इनका अच्छा रहेगा, लेकिन ट्रांसफर वोट इनके साथ वो नहीं हुआ। बल्कि जब ये जेबीएम में थे तो इनके पास जो अपना वोट आ रहा था वो वोट जेएम का वोट कट रहा था, आप उठाकर देखिए रिजल्ट पहले का है, उसमें जेबीएम का अच्छा आंकड़ा आता था, है तो उससे बीजेपी को सीट निकालने में आसानी हो रही थी। नहीं, वो 15 में 8 सीटें लाए। और एक चीज और है, हालांकि अब भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन बाबूलाल जी भी वो उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अब वो नहीं रही जो किसी जमाने में थी, और लूज इसलिए किए हैं कि उनका बहुत सारा वीडियो अभी चुनाव के वक्त और वायरल हुआ, जिसमें कि धज्जियाँ उड़ा रहे हैं मोदी जी की और बीजेपी की, और फिर जो है सो अभी वो जो बोल रहे हैं भाषा एकदम ठीक विपरीत है, तो इसका असर पड़ता है लोगों पर कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, कल क्या होता है, क्या बोल रहे हैं। हाँ, कि जब आप दल बदलते हैं, जिस दल में आप रहते हैं दल बदल लिए, कोई भी आदमी का हर दल का होता है, तो आज जिस दल में आप, इनका देखिए नीतीश कुमार का देखिए, लालू जी का देखिए है, आज आप जिनके साथ हैं उनके बारे में बोलेंगे हैं, तो ये पॉलिटिक्स भी ये खूब चलता है, आज हम आपके साथ हैं तो आप खूब बड़ाई कर रहे हैं, तो वही रहा बाबूलाल जी भी, जब अलग हुए पहले का अलग होगा, बाद में अलग हुए, फिर जब मिल लेंगे तो अलग हुए, तो भाषा बदलती रहती है। अल्टीमेटली ये होता है कि आपके साथ अपने लोग हैं। दूसरा क्या, जब वो आए ना बाबूलाल जी जब आ गए हैं, तो हमने कहा कि नीचे स्तर पर कहाँ दिक्कत हुई है, दिक्कत ही हुई है ट्रैवल सीट पर, बाकी में दिक्कत नहीं है जी। बाकी दिक्कत पे मोदी जी आके सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अमित शाह खुद कर रहे हैं, वो मैसेज जा रहा है नॉन ट्रैवल के पास जो है,
सदान बहुत बड़ा एरिया है, मूलवासी जो यहाँ पर का है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, वो अभी भी बीजेपी के साथ है, है। लेकिन ट्राइबल्स में क्या है कि बीजेपी ने, बीजेपी अपने मैसेज को उनके नीचे तक पहुंचाने में, उनको कन्विंस करने में झारखंड में असफल रही है, यही कह सकता है। जो आपके पास जो अपना अच्छा काम भी किया ना, ऐसे दो दो मेजर इशूज हैं जो काम किया ट्राइबल में। एक तो जो आपने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, दूसरा ये जो संविधान बदलने की जो बात आई, ये भी असर किया ट्राइबल्स भी, बल्कि ट्राइबल्स तो और ज्यादा गुस्से में आ गया, और ज्यादा गुस्से में ट्राइबल्स और ये दलित दोनों का रहा, चारों ओर का रहा है। और एक सवाल और, जयराम महतो के चुनाव, इस चुनाव में अगर जयराम महतो की चर्चा ना हो तो थोड़ा उसके उन जयराम के साथ बेमानी हो जाएगी कि उस एकमात्र कैंडिडेट है जो पहली बार चुनाव लड़ा और 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेके आया, दो दिग्गज राजनेताओं के बीच में, मथुरा महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी दोनों के बीच में वो अकेले हैं जो 1.5 लाख से ज्यादा वोट लाए, उस युवा नेता के भविष्य को कैसे देखते हैं आप लोग? अगर वो सही दिशा में रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब वो जो हराया था सुदेश महतो को, वो डिरेल्ड हो गया, क्या नाम है, अमित महतो, तो अभी युवा हैं और इन्होंने जो इशू बनाया है, जिस उसी इशू पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया पूरे, कि एक तो भाषा और खतियान, तो भाषा और खतियान के इशू पर तो हेमंत सोरेन ने पहले ही काम कर दिया है, असेंबली से पास करवा के, और उसको राज्यपाल ने रोक रखा है, तो ये इशू उनका ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हाँ, अभी क्या है कि नौजवान चूँकि फ्रस्ट्रेशन में है, वो नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो जो सोचता है कि खतियान आधारित अगर उसको कौन सा स्थानीय नीति बन जाएगी तो नौकरी ज़्यादा मिलेगी, तो अब सरकारों तो अपनी चाल से चलती हैं, अब वो आक्रामक भाषण दे रहे हैं, अच्छा ही इज़ गुड ऑरेटर, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो उसने अट्रैक्ट किया खास करके यंगर जनरेशन को, बहुत ज़्यादा उसने अट्रैक्ट किया, तो उसका असर। लेकिन हाँ, वो अब राजनीति में लंबी पारी तभी चलती है जब आप एक अपनी नीति पकड़ के, अपना विचार पकड़ के और उस पर स्थिरता से चले। राजनीति कोई वो पॉप म्यूजिक नहीं है, ये क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल साधना करनी पड़ती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वैसे ही साधना अगर करेंगे तो आज भविष्य उनका अच्छा रहेगा। अनु सर से एक सवाल है कि सर, ये जिस तरह से हम लोग जयराम महतो की बात किए, उसी तरह अब खूंटी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये अर्जुन मुंडा का बहुत करारी हार कही जा सकती है, और पिछली बार भी हारते हारते जीत गए थे, तो उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या कहना है कि कैसे वहाँ उनको इतनी बड़ी हार हुई है? कि हॉकी खेलने लगे ना वो, तो हॉकी लॉन्ग टेनिस लॉन्ग टेनिस खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, पूरे पूरे इलाके में हम घूमे हुए देखे थे, जो भी इलाका है उनका इलाका है, उसका बड़ा एरिया वो मिशनरीज का एरिया है, ट्राइबल्स, हाँ उसमें मिशनरीज सरना भी हैं, तो इनके साथ जो बीजेपी के वोटर सदन है वो पूरे खड़े हैं। जब आप एक मानसिकता है कि आप मंत्री हैं तो आप मेरे तभी मेरे घर में सुख और दुख हर प्रोग्राम में रहिए, झारखंड का ये कल्चर रहा है, हाँ, कि आपको आना पड़ेगा, मेरे यहाँ सतैसा है, छठी है, आप मंत्री तो होंगे, आपको आना पड़ेगा, मेरे यहाँ मरनी है जीनी है, आपको आना पड़ेगा। जब और वहां पर डिसीजन था दिल्ली में है कि आप कैबिनेट मंत्री हैं तो उनकी अपनी मजबूरी है, हम उनको बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मजबूरी उनकी है कि आप शुक्रवार तक आपको वहां रहना है, शनिवार को फील्ड में रहिए, अब एक दिन के लिए आप आएंगे और संडे को रात में वहां दिल्ली पहुंच जाना है, है तो आप फील्ड में यहां पर आप नहीं रह सकते हैं, आएंगे भाग लेंगे। तो ये शिकायत बहुत रही कि हमारे बीच में वो नहीं रहते हैं, ये पहली शिकायत हो गई, सबसे पहला है। दूसरा हुआ कि हमको बात भी करनी पड़ती है तो आप जिस प्रतिनिधि को रखे हैं उसको हमको बताना पड़ता है, वो मैसेज पूरा करने में नहीं कर पाता है, तो ये गैप हो गया, तो गैप हो गया वोटर्स में और मंत्री के बीच में, वो नहीं समझेंगे कि आपको वहां पर मोदी जी ने रोक कर रखा है कि आपको रहना है कैबिनेट में, बैठक भाग लेना है, पूरे देश के बारे में सोचना है, जब मंत्री बनकर तो आपको देश के बारे में। दूसरा पॉइंट रहा कि एक धारणा चारों ओर बन गई कि कुर्मी का वोट खासतौर पर पिछले चुनाव में दो जगह से वो लीड लिए थे, 4-6 सीट में खूंटी, सिमडेगा, कोलेबीरा और तोरपा, ये 4 जगह से वो पीछे थे, और खरसावा और तमाड़, ये दो में इतना मार्जिन था कि मेकअप करके निकल गए थे, तमाड़ ने बहुत है, तमाड़ में दोनों दोनों ने किया है।
अबर क्या था कि तमाड़ और दोनों इलाके में, तमाड़ का जो अंदर का एरिया सो वहां और फिर खरसामा, दोनों जगह महतो इनके खिलाफ रहे। अच्छा, मिला खिलाफ रहे जो महतो का हुआ। मैसेज ये चला गया कि कुड़मी को आदिवासी बनाने के लिए जो रिकमेंड हुआ है उसको इन्होंने ही रोक के रखा, यही आपत्ति बना करके हैं, जबकि उनको कोई मतलब ये बताने में वेरी लॉजिकल, ये बताने में असफल रहे हैं, ये है कि ये मेरे बस में नहीं है, है तो वहां पर वो ध्यान नहीं पाए। तो ये दो बड़ा पॉइंट रहा है, वर्क तो अपना होता ही है, ये दो बड़े कारण रहे। और तीसरा हुआ है, आप सब जानते हैं कि इस बार भाई था कि हमको मोदी को हराना है, कैंडिडेट मोदी को जिताना है, मोदी को हराना है, कहीं ना कहीं जिंदा बहुत कुछ नहीं करते थे, कुछ अपवाद कुछ छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बाकी जो लोग खड़े थे, आमतौर पर क्या होता है जो मजा हुआ पॉलिटिशियन होता है वो अपने भी खड़े होते हैं और वोट को बांटने के लिए कई लोगों को खड़ा करते हैं, कई बार होता है। ये पूरा बेल्ट है झारखंड पार्टी का, जहाँ पे जयपाल सिंह चुनाव चार चुनाव जीते हैं, एनी होरो जीते हैं वहां से चुनाव है, एनो सिका भी खड़े हुए थे वहां से है। लेकिन क्या हुआ कि जो जिसको झारखंड पार्टी ने भी खड़ा किया, हंस को खड़ा किया था वो थे है, और एक एक से मिले खड़े हुए थे सबके हैं, और फिर ये बबीता कच्छप जो कि खड़ी होती इसको लेकर पत्थरगढ़ी वाली, मतलब बहुत पॉपुलर थी है, लेकिन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, मतलब ये समझ गया कि हम इनको वोट देंगे तो हमारा उधर का वोट कट जाएगा है, वो सब वोट चला गया कालेश्वर मुंडा जी को। तो ये सब चीजें जो इनको मजबूत करती, वो सारे फैक्टर्स को, इतना अपोनेंट का वोट इतना एकजुट रहा, इनको नुकसान हो गया और सपोर्ट नहीं किया पूरा खरसावा का इलाका, कुचा का इलाका और यहाँ का, ये बेसिक कारण रहा उनके पिछड़ने का। अभी तक टिल नाउ जो 1.25 लाख के आसपास से पिछड़ रहा है, 1,40,000 वोट से पीछे चल रहा है, काफी मार्जिन भी काफी अधिक। व्यक्तिगत बात मैंने कहना चाहूंगा कि अर्जुन मुंडा के हारने का मुझे अफसोस हो रहा है, इसलिए कि अर्जुन मुंडा एक ऐसे लीडर हैं जो कुछ तो विजन भी है, डेफिनेटली जी। और दूसरा है कि वेल कल्चर्ड है, भाषा के असर पर भी बहुत मर्यादित बात करते हैं, नाप तौल के बोलते हैं, प्लस वहां रहने पर कितने चीजों को लागू करवाया। एक सामान्य आदमी देखिए सत्ता में रहने का, सरकार अगर बन रही है एनडीए की और वहां का व्यक्ति एनडीए का कोई रहेगा पावरफुल आदमी तो अपने क्षेत्र में लॉस तो है ही है, उनका जाना तो जाना ही होता है, करके नुकसान तो होता ही है, लेकिन अब ये राजनीति। तो देश की और झारखंड की बिहार की राजनीति के बारे में हम लोगों ने तीन दिग्गज लोगों से जाना, दो वरिष्ठ पत्रकार और एक वरिष्ठ समाजशास्त्री हैं, उनकी नज़र में देखा कि ये जो चुनाव था वो किस तरह से लड़ा गया और किस दिशा में जा रहे हैं, आगे किस तरफ देश जाएगा उसकी भी झलक आप लोगों को मिली। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे देता हूँ अपने दर्शकों को कि यहाँ जो 9 सीटें हैं वहाँ 1,00,000 से ज़्यादा का वोट का वो है, जीत हार का अंतर जो है। तो जैसे चतरा सीट में है 1,00,000 से ज़्यादा वोट के अंतर से कालीचरण सिंह जीत रहे हैं, धनबाद में 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से ढुल्लू महतो आगे चल रहे हैं, गुड्डा में करीब एक बहुत देर तक ऊपर नीचे होने के बाद निशिकांत यादव, माफ कीजिए निशिकांत दुबे जी, अब 1,00,000 वोट के करीब से लीड कर रहे हैं। वो हजारीबाग में लंबा मार्जिन है, वो 1,86,000 से ज़्यादा वोट से मार्जिन ले लिए हैं। जमशेदपुर में 2,00,000 से ज़्यादा मार्जिन हो गया विद्युत वरण महतो का, पलामू में लीड होगा। कुटी में 1,37,000 वोट से पीछे हो गए अर्जुन मुंडा, कोडरमा में करीबन 2,00,000 के आसपास पहुंच गया है अन्नपूर्णा देवी का मार्जिन, पलामू में 2,50,000 से ज़्यादा का मार्जिन है, 2,70,000 के करीब पहुंच गया है, और सिंहभूम सीट पे गीता कोड़ा जो कांग्रेस से आई थी बीजेपी में 1,30,000 से ज़्यादा वोट के अंतर से वो पीछे हो गई, जोबामा जी वहाँ पे बनने जा रही हैं सिंहभूम सीट की अगली सांसद। देश की बात करें तो करीबन 290 से 300 के बीच में बीजेपी का आंकड़ा आ रहा है और 228 एनडीए का, बीजेपी का 240 सीट के करीब पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन का 228 सीट आ रहा है, कांग्रेस को अकेले करीब 100 सीट के आसपास वो जीत रही है, समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा कमबैक किया है वो 35 सीट पे आ रही है, बीजेपी के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बाद उसी का नंबर आ रहा है इस बार। दो चीज बोल रहे हैं, कल्पना सोरेन चुनाव जीत गई है, कल्पना सोरेन चुनाव जीत गई है और उड़ीसा में असेंबली में बीजेपी कांग्रेस का भी रिवाइवल है, कांग्रेस का पुनर्जन्म और ये भविष्य की राजनीति तय होगी। और कांग्रेसियों को अभी समय है कि फिर से वो एकजुट होकर के कुछ खास करें, उनका हौसला, लेकिन ये है कि मैसेज पूरे देश में ये गया है
कि कांग्रेस जो है वो उसका कमबैक हो रहा है जी। तो ये एक अच्छा मैसेज गया है डेमोक्रेसी के लिए, अच्छी बात है। विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार को यही खास बात देखना पड़ेगा, यही खास एक नई तरह की राजनीति हो सकती है जो भी लगे बदलाव दिखेगा वो सारा कुछ है उसमें। तो ये सारी राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हम लोगों ने जाना, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगली बार नए मेहमानों के साथ भी मिलेंगे, अनुज जी, गोविंद जी और अशोक वर्मा जी के साथ भी हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोगों को इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार, जोहार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।